ओके गाइस, तो ये कैनन IR3300 मशीन है। हम इसके बेसिक नॉलेज के बारे में आज सीखेंगे। इसी तरह की मशीन 3300 भी है, 2200 और 2800 भी रहती है। ओके, तो अगर हम स्कैनर चेक करना चाहें कि तो यहाँ फिनिशर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्कैनर है जो अभी जल रहा है। ओके, और स्कैनर के साथ जो चीज़ें घूमती हैं, ये जो कांच की पट्टी घूम रही है, ये रिफ्लेक्शन का काम करती है, ठीक है। और ये इसका CCD है। इस बॉक्स के अंदर इसका कैमरा है, और इधर देख रहे हैं आप, ये पीछे ये है LR PCB, इसको बोलते हैं इन्वर्टर PCB। अगर मशीन को फ्रंट साइड से देखते हैं तो इसका कंट्रोल पैनल है, इसे ऑपरेटिंग पैनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले के ऊपर ये एक टच प्लेट लगा रहता है। इसके ये कीज हैं, ये इसका एडिशनल फंक्शन बटन होता है। अगर इसमें अगर आपको कॉपियर ऑप्शन लाना है तो एडिशनल और ये 2-8 को एक साथ दबाएंगे, उसके बाद ये आ जाएगा आपका कॉपियर। अगर कॉपियर ऑप्शन में आपको एरर कोड क्लियर करना है तो कॉपियर में क्लिक कीजिए, उसके बाद फंक्शन में यहाँ आपको क्लियर मिलेगा। क्लियर में क्लिक करने के बाद अगर क्या क्या क्लियर करना है, आपको एरर कोड क्लियर करना है तो ERR पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको DC बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, या पैरी बोर्ड का, या बार बार जामिंग हो रहा है, जामिंग सेंसर चेंज भी कर दिया है तो भी, तो वैसा इश्यू है तो इसको भी क्लियर कर देने का, ये हमेशा क्लियर करने का, E354 क्लियर, E355 क्लियर। ओके, इसके नीचे आएंगे तो पावर क्लियर होता है, कभी कभी पावर का इश्यू होता रहता है तो इसे भी क्लियर कर देना चाहिए। ये सभी इसके नीचे आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट में अगर डार्क लाइट करने के लिए AE 5 से नीचे करेंगे तो कॉपी ब्लर होता जाएगा। जैसे 5 है, अगर 5 से 1 तक किए तो ब्लर होगा, और 5 से 9 तक करेंगे तो और इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ये है AE का सिस्टम। उसके बाद अगर हम डेवलप में जाते हैं तो D ऑफसेट है ना। ये दोनों की खासियत ये है कि इसको जितना ज़्यादा कम करेंगे DC को, उतना ही कॉपी डार्क होगी, और D ऑफसेट को जितना कम करेंगे बैकग्राउंड उतना ही डार्क होता जाएगा, और जितना ही बढ़ाएंगे, इसका बेसिक 128 होता है, 128 से ऊपर करोगे तो लाइट होगा। इसका जहाँ 28 लिखा है, यहाँ इसका बेसिक 24 रहता है, और इसे अगर 24 से कम करोगे तो डार्क होगा, 24 से ऊपर ले जाओगे तो ये क्या होगा, लाइट होगा। अब इसके बाद डेंस में आ जाते हैं। डेंस क्या होता है, एक्यूर जो इसका बैकग्राउंड होता है किसी भी मैटर का, वो सेट करता है। ये भी 1 से 9 तक है। अगर 5 से कम गया तो लाइट, 5 से बढ़ा दिया तो डार्क। ओके, अब इसी बीच अगर आपको टेस्ट पे चेक करना है, PG टेस्ट, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। टेस्ट में जाने के बाद टाइप कीजिए 1 नंबर, उसके बाद उसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ स्टार्ट बटन है। ओके करने के बाद दोनों जगह जब एक एक आ जाएगा तो स्टार्ट बटन क्लिक कर देने का, उसके बाद ये मशीन आपका वो पेपर बाहर निकाल देगी, PG Test No. 1। ये इसका PG Test No. 1 है, ठीक है। इस तरह पीजी टेस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको देखना है कि जाम कौन सा है मशीन में, जब जाम आता है तो आप कॉपियर में जाइए, कॉपियर में डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाम में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जाम दिखाएगा, कौन से सेंसर का जामिंग है यहाँ डिटेल देता है। और अगर एरर कोड में जाएंगे तो आपको बताएगा एरर कोड के किस एरर कोड का कौन सा सेक्शन अभी आपके मशीन में कोडिंग कर रहा है। ओके, तो ये हुई छोटी मोटी जानकारियाँ। अब हम इस मशीन के बॉडी पार्ट्स को देखेंगे। अगर नीचे देखिए तो यहाँ डिलीवरी यूनिट है,
ठीक है, पेपर प्रिंट होके यहाँ आता है, यहाँ एक शॉर्टर भी लगा रहता है बट इसमें शॉर्टर नहीं है। ये इसका फ्रंट कवर है, फ्रंट कवर खोलने के बाद आप देखेंगे ये टोनर डीपी है, ये ड्रम डीपी है। टोनर डीपी निकालना है तो इसे ऐसा कर दीजिए और टोनर डीपी बाहर आ जाएगी और वापस इसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये ड्रम डीपी है, इसका स्क्रू ओपन करने का, इसको फीडर को नीचे करने का, टोनर डीपी लॉक रहे तो अनलॉक करने का, और ड्रम ये स्क्रू खोल के बाहर कर लेने का, ठीक है। ये इसका राइट साइड का है सेक्शंस, ये स्टेप बाईपास का है, बाईपास से पेपर डालना है तो ये स्टेप बाईपास है इसका। उसके बाद ये इसका राइट डोर है जहाँ ट्रे में से पेपर बाहर निकलता है, ठीक है। पेपर कभी कभी यहाँ फंसता है तो इस डोर को ओपन करके पेपर यहाँ से बाहर निकाल लेने का। अब हम लेफ्ट साइड का इसमें देखेंगे, पहले तो इसका फ्रंट कवर खोल लेते हैं, ठीक है। ये फ्रंट कवर खुल गया इसका, उसके बाद ये लेफ्ट साइड का डोर ओपन कर लिया। इस तरफ आपको दिखाई क्या क्या देगा, ये है डिलीवरी यूनिट, ठीक है। इसके ऊपर ये डिलीवरी यूनिट है, ये वाइट वाला हिस्सा। इसके नीचे ये ब्लैक जो दिख रहा है, ये आपका फिक्सिंग यूनिट है या हीटर यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये इसको ड्यूप्लेक्स भी बोलते हैं, मतलब टू साइड के लिए ये कवर केवल यूज़ होता है, ठीक है। ये भी टू साइड में यूज़ किया जाता है ये हिस्सा। अभी इसके बाद हम पेपर जामिंग देखेंगे कि पेपर जामिंग कहाँ कहाँ से होता है। इस मशीन में पेपर एग्जैक्टली इस तरफ से निकलता है, ठीक है। ये जो साइड है यहाँ से पेपर निकलेगा, पहला जामिंग यहाँ होता है। अगर ये सेंसर प्रॉपर नहीं रहेगा तो पेपर यहाँ रुकेगा, ठीक है। यहाँ जो लीवर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये अगर इसका प्रॉब्लम होगा तो पेपर यहाँ आके रुक जाएगा। इसके बाद वाला रजिस्ट्रेशन सेंसर का प्रॉब्लम होगा तो पेपर थोड़ा अंदर जाके रुक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पेपर निकलता है यहाँ से, फ्रंट साइड में देखेंगे तो वहां से निकल, रजिस्ट्रेशन यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से पेपर फिर आ जाता है इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ, अगर यहाँ के सेंसर का प्रॉब्लम होगा तो पेपर फिर यहाँ रुकेगा, ठीक है। पेपर यहाँ से होते हुए उसके बाद ये फिक्सिंग में चला जाता है, ठीक है। यहाँ फिक्सिंग है ये, तो पेपर यहाँ भी अटकता है, तो यहाँ भी अगर टू साइड कॉपी मार रहे हैं तो पेपर यहाँ भी अटकता है ये पत्रे के नीचे। अब इसके बाद देखिए, लेफ्ट साइड का डोर ओपन करेंगे तो पेपर यहाँ भी अटकता है टू साइड में। सिंगल साइड में पेपर आपका यहाँ आके रुकता है, या तो यहाँ रुकेगा, यहाँ रुका रहेगा, या तो इस बीच पेपर रुकेगा, या तो यहाँ इतना पेपर यहाँ से निकला हुआ है यहाँ ऐसे पड़ा रहेगा। तो इन इन जगहों पे पेपर इन मशीनों में जाम होता है, ओके गाइस। और डिस्प्ले पे ऐसा इंडिकेट भी करता है पेपर किधर जाम हुआ है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हार्ड डिस्क है, इसके पीछे रीडर बोर्ड है, ये डीसी बोर्ड, ये इसे फेरी बोर्ड भी बोलते हैं, मेन कंट्रोलर बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मेन गियर बॉक्स है, ये मेन मोटर है, ये सामने जो बोर्ड देख रहे हैं ये HVT बोर्ड है, ठीक है। और ये पावर सप्लाई है, ओके। तो ये हो गए सारे बोर्ड इस मशीन के। मशीन में लेज़र यूनिट भी होता है, लेज़र यूनिट इस कवर के नीचे रहता है, ठीक है। ये कवर यहाँ से और यहाँ से खुलता है, ठीक है। ये कवर निकलने के बाद इसी के नीचे ब्लैक कलर का लेज़र यूनिट है, ओके। तो कभी भी कौन सी चीज़ें कहाँ ये मालूम रहती है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो ओके गाइस, ये था कैनन IR3300 का रिव्यू, ओके।